फसलें उगाकर अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। इस साल भी उन्होंने अपने खेतों व पॉली हाउस में गोभी, मटर, लहसुन व आलू जैसी फसलें लगाई हैं। इन फसलों की अच्छी पैदावार के लिए वे अपने स्तर पर केंचुआ खाद तैयार कर खेतों में डालते हैं, जिससे उनकी पैदावार भी अच्छी हो रही है। खेतीबाड़ी के साथ साथ उन्होंने गाय भी पाल रखी है। इसके अलावा बलदेव सिंह बतख पालन व मछली पालन की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बतखें पालने भी शुरू कर दी हैं। कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन भी वे कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में और बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखकर ग्रामीण भी इनके कार्यों के प्रति प्रेरित हो रहे हैं। बलदेव ठाकुर ने कहा कि सामाजिक कार्यों के साथ साथ वे प्रगतिशील किसान भी हैं और उन्होंने अपने खेतों में जहां विभिन्न योजनाओं के तहत पॉली हाउस बनाए, वहीं अच्छी पैदावार के लिए केचुआ खाद भी तैयार की। उन्होंने बताया कि विभिन्न तरह की फसलें लगाने के अलावा मत्स्य पालन व बतख पालन का वे कार्य भी कर रहे हैं। साथ ही पशुपालन व खेती बाड़ी से लागत निकलने के बाद कुल 5 से 7 लाख सालाना आय भी अर्जित कर रहे हैं। मैं जहां 1985 से पंचायती राज एवं राजनीति में सक्रिय रहा हूं, वहीं कृषि में भी मेरा बचपन से मेरा शौक रहा है और एक प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आता हूं। जैसा कि मेरे पास एक यहां पर 1000 स्क्वायर मीटर का एक पॉली हाउस है, जो मैंने कृषि विभाग से प्राप्त किया है। लगभग इसमें मुझे 7 लाख के लगभग सब्सिडी और बाकी 2 लाख के लगभग मैंने खुद इसमें अपना भाग दिया है। और इस 1000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस लगाने से मुझे लगभग सालाना 1.5 से 2 लाख रुपया इनकम मेरी आय इससे होती है। इसके लिए ही मैंने वर्मिन कंपोस्ट यूनिट भी बनाया है, साथ ही 2 जर्सी गाय रखी है और इसकी सिंचाई के लिए मनरेगा के अंतर्गत 1.5 लाख लीटर का टैंक बनाया है। और जितने भी यहाँ हमारे खेत है, उसमें मनरेगा के अंतर्गत हमने लैंड डेवलपमेंट के अंतर्गत डंगे लगाए हैं और भूमि सुधार किया है। और साथ ही इस टैंक में हमने मत्स्य पालन विभाग से मछलियाँ इसमें डाली हैं और लगभग 2000 मछलियों का सीड इसमें हमने डाला है और मछलियाँ भी अब इसमें हैं। साथ ही हमने कुछ मैंने 5-4 बतखें भी पाली है और अभी उनके आगामी कोई 20 बच्चे और जन्म लेने वाले हैं, तो हमने बतखों का भी साथ में शौकिया तौर पर काम किया है। आजकल हमने जैसे मटर की फसल, गोभी की फसल, लहसुन की फसल और ये इस तरह की फसलें लगाई हैं और इसके तुरंत 15 दिन में ही अब शिमला मिर्च और टमाटर और अदरक वगैरह की फसलें हम लगाएंगे।